यूहन्ना पांचवा बाब और उसकी नवीं आयत से मैं पढ़ने लगा। जब हम आदमियों की गवाही कबूल कर लेते हैं, जब हम आदमियों की गवाही कबूल कर लेते हैं तो खुदा की गवाही, तो खुदा की गवाही तो उससे बढ़कर है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस बात को? जब हम आदमियों की गवाही, बड़ी बड़ी अदालतों में आदमियों की गवाही पर
या फांसी की सजा हो जाती है या बरी हो जाते हैं। या फांसी हो जाती है या ये अब ये एक अलग मामला है कि उनमें कितने झूठे गवाह हैं, क्योंकि झूठी गवाहियों से भी फांसियां हो जाती हैं। लेकिन देखा सिर्फ ये जाता है अदालत में कि आदमियों की क्या है, गवाही है। ये तो अदालत के वक्त, रोजे हश्र के वक्त उनका हश्र मालूम होगा जिन्होंने झूठ बोलकर किसी एक बेगुनाह को सजाए मौत या फांसी तक पहुंचवा दिया। लेकिन दलील ये है, बुजुर्ग यूहन्ना यहया दलील ये दे रहा है कि जब आदमियों की गवाही कबूल कर लेते हैं तो खुदा की गवाही तो उससे बढ़कर है। खुदा की गवाही तो कितने से मुत्तफिक है, खुदा की गवाही बढ़कर है, सब मुत्तफिक है। तो खुदा की गवाही तो उससे बढ़कर है, और खुदा की गवाही ये है। अब खुदा की गवाही क्या है? खुदा की गवाही ये है जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है। जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि वो उस गवाही पर जो खुदा ने अपने बेटे के हक में दी है ईमान नहीं लाया। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी, और ये जिंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। हालेलुया भी बोला कर, हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोगों के नजदीक ये बात सख्त ठोकर का बायस है, और बस इस ठोकर की जद में आकर ऐसा एहसास कमतरी का शिकार होते हैं कि वो खुल्लम खुला यीशु मसीह ज़ाते अक़दस मालूदे मुकद्दस हयाते अक़दस